गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है परमाणु, जिसमें कहा जाता है एटम। कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, जिसे हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं परमाणु। परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं तो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जिसे हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं, वो होता है परमाणु। ठीक है, तो जो परमाणु होता है वो 3 छोटे छोटे अपरमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखें, परमाणु जो है वो 3 अपरमाणुओं से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों की जो पोजीशन होती है वो किस तरह से होती है, मैं आपको इसी चैप्टर में आगे बताऊंगी। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा, ध्यान रखना, परमाणु जो होता है ना वो उदासीन होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है मैं बताऊँगी आपको। जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऋणावेशित होता है, और जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यानी अगर हम किसी सिंगल, अगर हम बात करें किसी परमाणु की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब ओवरऑल अगर हम किसी परमाणु की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल क्यों होता है, उदासीन क्यों होता है, मैं आपको बताऊंगी। किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन मिलते हैं, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और न्यूट्रल यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। अब थर्ड बचा न्यूट्रॉन, ऑलरेडी न्यूट्रल है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु होते हैं, ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। चलिए, हमने इसके बारे में तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो परमाणु जो होता है, जो एटम जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इन तीनों का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, कितने इनके नंबर होते हैं, ये सारा हम देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो परमाणु जो है इसके अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल बताए हैं, जिसके अंदर परमाणु के बारे में बताया गया है कि परमाणु में इन तीनों का अरेंजमेंट कैसे होता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी थॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल था वो कैसा था और उसकी क्या खास बात थी, क्या विशेषताएँ थी। थॉमसन के अनुसार जो परमाणु जो होता है वो एक गोलाकार भाग है, एक इस तरह से जैसे सर्कल होता है, बिल्कुल इस तरह से थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है, एक गोलाकार भाग है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो यानी जो ऋणावेश जो है वो इसके अंदर इसके पूरे भाग में इस तरह से बिखरा हुआ है, और जो धनावेश भाग है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये जो पूरा गोला आपको दिख रहा है, ये पूरा जो सर्कल है ये तो है पूरा का पूरा पॉजिटिव, और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर इस तरह से बिखरा हुआ रहता है। ये मॉडल दिया था थॉमसन ने। ठीक है, तो थॉमसन का जो परमाणु का मॉडल है, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, तो इसका जो मॉडल दिया था थॉमसन ने बताया था, और थॉमसन ने अपने मॉडल की जो पूरा परमाणु होता है वो एक गोलाकार होता है, गोले के जैसा होता है, और इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बिखरा हुआ रहता है। इसको हम तरबूज से समझ सकते हैं, जो वाटरमेलन होता है, तरबूज जो होता है वो पूरा का पूरा धनावेशित, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं तरबूज से।
जो तरबूज होता है वो पूरा का पूरा गोल होता है और उस पूरे गोल भाग को हम धनावेश मान सकते हैं। और तरबूज में जो बीज होते हैं वो जिस तरह से बिखरे हुए रहते हैं वो बीज जो है वो ऋणावेश भाग यानी इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, और पूरा का पूरा जो तरबूज है वो किसको दर्शा रहा है, प्रोटॉन यानी धनावेश भाग को। तो टॉमसन ने कहा था, टॉमसन के अनुसार जो परमाणु है वो पूरा का पूरा एक धनावेश गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है यानी जो हुआ है। इन्होंने अपने इस मॉडल को कंपेयर किया था, एक मिठाई आती है प्लम पुडिंग मिठाई होती है जिसके अंदर जो वो मिठाई जो होती है उसमें ड्राई फ्रूट्स बिखरे रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा धनावेश ड्राई फ्रूट्स हो गए वो नेगेटिव चार्ज को शो कर रहे हैं। इसीलिए जो टॉमसन का जो मॉडल है इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ध्यान रखना, टॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि टॉमसन ने अपने जो परमाणु का जो मॉडल दिया था इसके अनुसार जो इन्होंने अपने इस मॉडल को कंपेयर किया था। प्लम पुडिंग एक मिठाई आती है जिससे उन्होंने कंपेयर किया था, जिसके अंदर वो पूरी जो है वो बनी होती है मावे की और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स बिखरे रहते हैं, तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो नेगेटिव चार्ज और पूरी जो मिठाई है वो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रही है। तो इसीलिए जो टॉमसन का मॉडल है उसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो ये मॉडल दिया था टॉमसन ने, आपको मैं रिपीट कर दूं, टॉमसन ने जो मॉडल दिया था परमाणु का उसके अनुसार परमाणु पूरा का पूरा क्या है, एक धनावेश गोला है और इसके अंदर ऋणावेश भाग जो है नेगेटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं उसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया था, ठीक है। तो टॉमसन ने जो परमाणु मॉडल बताया उसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया था, परमाणु मॉडल बताया था, और उसमें उन्होंने टॉमसन का जो मॉडल है उसको गलत बताया। टॉमसन के अनुसार ये पूरा का पूरा जो परमाणु है ये धनावेशित होता है, ऋणावेश भाग इसके अंदर बिखरे हुए हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। पूरा परमाणु जो होता है वो धनावेशित नहीं होता, जिसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इसके एक छोटे से भाग में ही होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिखरे हुए नहीं रहते, उनका अरेंजमेंट होता है। तो टॉमसन ने जो मॉडल बताया था वो उसमें कई सारी कमियाँ निकली जिनका इन कमियों को बताया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो आज हमने टॉमसन के मॉडल को पढ़ा और नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे थॉमसन का रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था सोने की पत्ती के ऊपर, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने जो है परमाणु का मॉडल दिया था, और टॉमसन का जो मॉडल है उसमें जो कमियाँ निकली थी वो रदरफोर्ड ने ही बताई थी, यानी इसमें क्या क्या कमियाँ हैं वो। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो मैंने आपको और आपके क्लास ग्रुप के अंदर पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।